1991 के बाद हर प्राइम मिनिस्टर का ऑब्जेक्टिव दुनिया के सामने इंडिया को एक ग्लोबल सुपर पावर दिखाने का रहा है, चाहे वो डिफेंस और मंगलयान के जरिए इंडिया की हार्ड पावर की बात हो या फिर बॉलीवुड और योगा के जरिए सॉफ्ट पावर की। पर एक एरिया जिसमें इंडिया अभी भी बहुत पीछे है वो है रियो ओलंपिक में भारत के लिए बॉक्सिंग रिंग से मेडल मिलने की उम्मीद अब खत्म हो गई है। पुरुष हॉकी टीम शानदार खेल दिखाने के बावजूद जर्मनी से 1-2 से हार गया। साइना नेहवाल अपना सेमीफाइनल मुकाबला हार गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहक। और मेरा नाम है शिखर। और आज हम बात करेंगे, और देखिए बाबा रामदेव क्या कला दिखा रहे हैं, कितने झुके हुए हैं। ओहो, यादव पटकनी दे दी। के एलए ओलंपिक्स और 2016 के रियो ओलंपिक्स के बीच इंडिया ने केवल एक ही मेडल जीता है। इसी दौरान इथियोपिया, नॉर्थ कोरिया और सर्बिया जैसे देश इंडिया से कई ज्यादा मेडल्स जीत चुके हैं। 2016 ओलंपिक्स में इंडिया को बस 2 मेडल्स मिले थे, जबकि उन ओलंपिक्स में इंडिया ने अपनी सबसे बड़ी कंटिंजेंट भेजी थी। 2 मेडल्स का मतलब है कि इंडिया को हर 1,00,000 लोगों के लिए बस 0.00015 मेडल्स ही हासिल हुए थे। पर कैपिटा बेसिस पर इंडिया 87 देशों में सबसे आखिरी स्थान पर था। जब हम स्पेस में मंगलयान लॉन्च कर सकते हैं, एक न्यूक्लियर आर्सेनल मेंटेन कर सकते हैं और वर्ल्ड क्लास चेस और क्रिकेट प्लेयर्स भी बना सकते हैं, तो फिर किस वजह से हम ओलंपिक मेडल्स नहीं जीत पाते? सत्तर मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, और ये 70 मिनट जी भर कर खेल लो। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। मजा आया। इसका कोई एक रीजन नहीं है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने इस प्रॉब्लम को अलग अलग तरह सॉल्व करने के तरीके देखे हैं। सबसे पहले, पॉपुलेशन मेडल्स के लिए एक अच्छा प्रेडिक्टर नहीं है। पॉपुलेशन के बेसिस पर इंडिया को 2004 ओलंपिक्स में 157 मेडल्स जीतने चाहिए थे, जबकि हमने बस एक ही मेडल जीता था। जो भी देश रेगुलरली मेडल्स जीतते हैं उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। रिसर्च के हिसाब से GDP पर कैपिटा मेडल्स के लिए बेस्ट प्रिडिक्टर है। जो देश ज़्यादा अमीर होते हैं वो ज़्यादा मेडल्स जीतते हैं, जैसे UK और US। इंडियन गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के हिसाब से US एक पर्सन पर हर दिन स्पोर्ट्स के लिए 22 रुपये स्पेंड करता है, जबकि इंडिया बस 3 पैसे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में छत्रपति शिवाजी स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। अरब सागर में बनने वाली शिवाजी की मूर्ति 210 मीटर ऊंची होगी और इस स्मारक पर 3,600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जो काम कांग्रेस और NCP 15 साल में नहीं कर सकी वो महाराष्ट्र सरकार करेगी, और पूरी दुनिया में शिवाजी का सबसे ऊंचा और शानदार स्मारक बनाया जाए। इस फंडिंग गैप की वजह से कई एथलीट्स जैसे शिवा केशवन के लिए मेडल्स जीतना तो छोड़िए, ट्रेनिंग करना तक मुश्किल हो जाता है। विंटर ओलंपिक्स में वो कई बार इंडिया के इकलौते रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। शिवा इंडिया को लूज में रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया में लूज के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए जहां और एथलीट्स ऐसे ट्रेन करते हैं, शिवा को ऐसे ट्रेन करना पड़ता है। यहां तक कि एक बार वो ट्रेनिंग के दौरान एक ट्रक के नीचे से भी गुजर चुके हैं। और ड्यूटी चंद, जो रियो में 100 मीटर स्प्रिंट के लिए क्वालिफाई होने वाली हिस्ट्री में 3rd वुमन बनी, वो श्योर ही नहीं थी कि उनके पास पहनने के लिए प्रॉपर जूते होंगे। पर क्यूबा और नॉर्थ कोरिया के पास भी पैसे नहीं हैं, तो वो कैसे मेडल्स जीत जाते हैं? उनके सक्सेस का राज है एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम, जैसे कम्युनिस्ट या डिक्टेटरशिप रेजिम।
ऐसे देशों के लिए मेडल्स जीतना नेशन बिल्डिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस वजह से वो अपनी कई रिसोर्सेज अपने एथलीट्स पर लगाते हैं। और रही केन्या, इथियोपिया और जमैका जैसे देशों की बात, जिनके पास ना तो पैसा है और ना एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, उन्होंने कई सालों के दौरान एक लो कॉस्ट स्पोर्ट में अपनी स्पेशलिटी बना ली है। जमैका के 77 में से 74 मेडल्स इंडिविजुअल और रिले स्प्रिंट्स में आए हैं। ऐसा ही हाल है केन्या और इथियोपिया का भी। तो ना इंडिया के पास पैसा है और ना कोई बहुत बड़ी स्पोर्टिंग एडवांटेज, और ना इंडिया एक सेंट्रलाइज कंट्री जैसे एक डिक्टेटरशिप की तरह है, कम से कम अभी तक तो नहीं। मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए। काले गौवे से डरियो, क्रिटिसिज्म से ही तप करके डेमोक्रेसी पनपती है। Breaking news coming in from Karnataka, from Bengaluru, where the Karnataka police have arrested a WhatsApp group administrator for publishing content against Prime Minister Narendra Modi. Hey, Ganpat, bajate rehna, yaar. हम इन मैक्रो प्रॉब्लम्स को तो एकदम से सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपने देश की इंटरनल प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करना होगा। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की मिसमैनेजमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट की 9-member टीम उनके एथलीट्स को सपोर्ट करने के लिए रियो गई थी, पर हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनिल विज स्पोर्टिंग इवेंट्स की बजाय साइट सींग और बीचेस में व्यस्त थे। Excuse me, two please. Olympics के पहले दीपा कर्माकर ने अपने फाइनल्स के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट की मांग करी थी, पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसे वेस्टफुल बोलकर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करके हिस्ट्री बना ली, तब उस थेरेपिस्ट को अर्जेंटली रियो भेजा गया। मोदी की फिटनेस दमदार तो है ही, याददाश्त भी बेमिसाल है। इसकी वजह भी मशरूम को ही बताया जाता है। मशरूम किसी चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं। रिपोर्ट देखिए, आप भी मशरूम के चमत्कारी गुणों को जानकर हैरान हो जाएंगे। इन प्रॉब्लम्स के पीछे मेन कारण है अकाउंटेबिलिटी। करीब आधी फेडरेशंस के प्रेसिडेंट्स पॉलिटिशियंस होते हैं जिनको स्पोर्ट्स या उनकी मैनेजमेंट में कोई दिलचस्पी ही नहीं होती। जैसे रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं ब्रिज भूषण शरण सिंह। दो केस का जिक्र किया है, अटेम्प्ट टू मर्डर और विवादित ढांचा जो अयोध्या में ढाया गया। मैं उसको स्वीकार करता हूँ, है उसमें मैं मुलजिम हूँ। आज भी मेरे ऊपर वो केस चल रहा है और पूरे देश में सबसे पहले गिरफ्तारी भी मेरी हुई थी और मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं है। सेकेंडली, इंडिया को अपनी इफेक्टिव पॉपुलेशन बढ़ानी होगी। दो रिसर्चर्स ने एनालिसिस के बाद बताया कि ओलंपिक मेडल जीतने के लिए पॉपुलेशन इतनी मान्यता नहीं रखती, इफेक्टिव पॉपुलेशन रखती है, मतलब वो पॉपुलेशन जो खेलने लायक है और जिनको खेलने का मौका भी मिल सके। पर इंडिया में चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन और पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि कई बच्चे एथलीट्स बनने से बहुत दूर हैं। पिछले 48 घंटे में गोरखपुर में 36 मासूमों की जान चली गई और सरकार आंकड़ों की बाजीगरी में जुटी हुई है। बार बार सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि मौत ऑक्सीजन से हुई, लेकिन सरकार कह रही है कि मौत की वजह ऑक्सीजन नहीं। बड़ा सवाल यही कि इससे सरकार क्या साबित करना चाहती है, कौन है आखिर इसके लिए जिम्मेदार। और हमें अपनी इफेक्टिव पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए फीमेल एथलीट्स को सपोर्ट देना ही होगा। जब तक हम अपनी आधी पॉपुलेशन को इग्नोर करते रहेंगे, तब तक हमारा मेडल जीतना बहुत मुश्किल है। ये स्पेशली ज़रूरी है क्योंकि हमारे कई मेडल विनर्स महिलाएं रही हैं। फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल गैप को फिल करने के लिए इंडिया को प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी इंकरेज करनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी स्पोर्ट्स में प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ स्पोर्ट्स और प्लेयर्स को पॉपुलर भी कर सकती हैं, और ऐसा ही हमने देखा है कबड्डी और फुटबॉल की लीग्स में।
और फाइनली अगर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और हमारा देश खूब सारे सक्सेसफुल एथलीट्स बनाने लगे तो शायद हमारा स्पोर्ट्स की तरफ एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अगर इस एटीट्यूड के बावजूद हमें ऐसे स्टार्स मिले हैं तो सोचिए कि राइट एटीट्यूड के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, incident of administrative apathy. Senior hockey players were made to sleep on mattresses and had to bathe in cold water during a national level championship at Imphal. Excuse me, to please. तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।